कामरान खान, इस वक्त शिकायत ये सामने आ रही है कि इस्लामाबाद के किसी भी सरकारी अस्पताल में MRI की सहूलत दस्तयाब नहीं है, इसमें किस हद तक हकीकत है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वफाकी दारुलहुकूमत है इस्लामाबाद, और जिसको कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा प्लान और मॉडल सिटी कहा जाता है। 24 लाख की आबादी यहाँ की है, और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हम PIMS कहते हैं, ये अस्पताल है। और यहाँ पर MRI की सहूलत जो है गुज़िश्ता 2.5 साल से वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि कोई यहाँ पर मेडिकल टेस्ट जो है वो रेडिएशन का MRI मशीन पर नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक मशीन जो थी रेडिएशन सेंटर में, वो फरवरी 2021 से नाकारा है। पिछले 2.5 सालों में ये नई मशीन को, इसको रिप्लेस करने का और नई मशीन लाने का जो अमल है, उसके लिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2.5 साल से ये अभी तक जो है ना मुख्तलिफ डेडलाइंस जो हैं वो दी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी जो है वो स्पोक्स पर्सन से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि ये 6 सितंबर को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाए, लेकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में ये इसके ऊपर कोई मस्बत पेशरफ नहीं हुई है। और आप समझ सकते हैं कि ये MRI का टेस्ट जो है वो इस वक्त इतना, एक तो ये कि कॉस्टली है, इसको हर एक की दस्तरस में नहीं होता। जो डिज़र्विंग पेशेंट होते हैं उनको वो नहीं अफोर्ड कर सकते ये वाला टेस्ट, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो आते हैं और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं। जाहिर है आपको पता है कि MRI जो है ये एक जो एक्सरे और CT स्कैन और उसके बाद जो एक सुपरलेटिव डिग्री का जो रेडिएशन टेस्ट है, तो अमूमन डॉक्टर जो है वो इसको प्रेफर करते हैं। और हमें जो डाटा दस्तयाब है इस हवाले से, मैं बताता चलूं कि हर इमरजेंसी में आने वाला हर दूसरा पेशेंट जो होता है, उसको MRI का टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है रेडिएशन का। और इसी तरीके से OPD का बताया गया है कि OPD में से हर आठ में से एक पेशेंट जो है वो रेडिएशन, उसको MRI की रेडिएशन के लिए टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एस्टिमेटेडली 6,000 योमिया जो OPD में पेशेंट आते हैं ये इस बड़े अस्पताल में, और उनमें से आप ये सोच सकते हैं कि रेडिएशन के लिए जिनको रिकमेंड किया जाता होगा वो कितने पेशेंट्स होते होंगे। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर जाने पर मजबूर हैं, जहाँ कोई अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं कर सकता। इसकी जो जो रेशो है, यानी इसकी जो वो कामरान, वैसे अमूमी तौर पर जो डेटा यकीनन आपके पास है, तो प्राइवेटली अगर हम बात करें तो कितने का एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए, प्राइवेट अस्पताल कितना चार्ज करते हैं इस टेस्ट के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये जो टेस्ट है ये इसमें जो प्लेन टेस्ट होता है, यानी जिसे हम कहते हैं विदाउट कंट्रास्ट जिसे होता है, जो कि इनिशियल यानी इनिशियल टेस्ट है इसका, वो 12,000 से शुरू होता है। और उसके बाद फिर कंट्रास्ट में और स्ट्रोक प्रोटोकॉल के साथ अगर इसको देखें तो ये 20,000 तक, ये एवरेज ब्रैकेट में बता रहा हूँ आपको एक्सपेंसिस की आम अस्पताल में, क्योंकि वो मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर में जो लेटेस्ट मशीन लेकर आता है अमूमन उसको भी डॉक्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि आप वहाँ से करवाइए, क्योंकि वो मशीन जो है ज़्यादा लेटेस्ट है, उसका रिजल्ट जो है मज़ीद अच्छा आएगा। तो इस हवाले से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 12,000 से लेकर 20,000 तक का ये टेस्ट है। अच्छा, एक और सूरत हाल भी है जो कि अस्पताल ज़राए वाले ये कहते हैं कि एक टेस्ट में कम अज़ कम 30 से 40 मिनट का टाइम जो है वो मैंडेटरी होता है, लगता है इतना टाइम एक टेस्ट के लिए। तो अगर वो कहते हैं कि जी 24 घंटे ज़ाहिर है मशीन ऑपरेटिव रहती है, तो ऐसी सूरत में 24 घंटों में यानी दिन और रात में 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा इस मशीन के ऊपर 24 से 25 टेस्ट हो सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती। तो वो ये कहते हैं कि ये एक मशीन आ भी जाए अगर, तो ये जितनी इस वक्त नीड है MRI टेस्ट में, पेशेंट जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं वो कैटर नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह यह है। और फिर होता यह है कि आपको जो है वहाँ पर सरकारी अस्पतालों में तारीखें दी जाती हैं बकायदा, यानी आपको आज टेस्ट रिकमेंड किया जा रहा है तो रेडिएशन सेंटर जो है आपको MRI के टेस्ट के लिए 2 महीने बाद की तारीख देगा। इससे पहले यही कुछ होता रहा है। अच्छा कामरान, जो सेहत का जो शोबा है 18वीं तरबीम के बाद ये सूबाई सतह पर इसे मुंतकिल कर दिया गया, जो सूबे हैं वो खुद देखते हैं अपने सेहत के तमाम मामलों को, तो अब विफाकी सतह पर ये मामला जो है विफाकी हुकूमत जाहिर है इस मामले की जिम्मेदारी लेगी, तो कोई अपडेट हुई अब तक के सारे मामले पर?
जी राणा साहब, आप ये देखिए कि ये मामला जो है एक पिम्स का एक अपना एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ हुआ है, जो इन सारे मामलों को देखता है, डिसीजन लेता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उनके पास ये मामला जो है पेंडिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, उनको पता है और वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वह नदारद है। इसके अलावा जो हेल्थ से मुतालिक जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, यानी कि नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ के ऊपर, उसने कई बार इस इशू को उठाया है, उन्होंने विजिट भी किए हैं कमेटी के अरकान ने। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी हेल्थ के ऊपर, उन्होंने इसका सख्त नोटिस लिया था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एक जो मैंडेटरी टेस्ट है जो कि होना चाहिए, एक सहूलत है जो कि होनी चाहिए सबसे बड़े अस्पताल में, वो क्यों नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यानी कि हर सतह पर जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहाँ पर ये मामला जो है बिल्कुल उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद हाल ये है कि 2.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद जो सबसे बड़ा अस्पताल है इस्लामाबाद का, वहां पर इसका कोई अभी तक कोई नहीं है। अगरचे में जो स्पोक्स पर्सन है वो बता रहे हैं, बड़े हौसला अफजा बात उन्होंने की है कि जी ये बस एक आध महीने के अंदर जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसी वाइब्स जो है वो नजर नहीं आ रही। अच्छा कामरान खान, आप क्या समझते हैं कि 24 लाख आबादी के लिए कितनी MRI मशीन होनी चाहिए? क्योंकि जैसा से आपने मेंशन किया कि एक टेस्ट के लिए जो है वो 30 से 40 मिनट्स दरकार है, तो कितनी मशीन आप समझते हैं कि होनी चाहिए? देखिए होता यह है कि ये सिर्फ 24 लाख आबादी का मामला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ से जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लोकल शायद कम होते हों। यहाँ पर बाहर से जो आए हुए एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जैसे कि यहाँ पर इवन के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, झेलम और यहाँ से नॉर्थ वाली साइड से अटक, कहाँ बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आते हैं, इसलिए कि यहाँ पर ये पूरा एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं बाकायदा जो दूसरे जो डॉक्टर्स हैं दूसरे इलाकों में वो बाकायदा रिकमेंड करते हैं कि जी आप इसको जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज होते हैं उनको वो PIMS रेफर करते हैं बाकायदा। तो यहाँ पर जो है ये सिर्फ 24 लाख आबादी का मामला नहीं है, यहाँ पर जो जो फार फ्लंग एरिया से जो आते हैं, एडजॉइनिंग एरिया से जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा, जिनकी कि एक बहुत बड़ी तादाद है। तो बात यह है कि एक मतलब एक कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है कि चले अगर एक मशीन भी आए तो कम से कम कोई हम कह तो सके कि जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं, जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं कम से कम उनको तो मौका मिलेगा कि वो यहाँ पर अपना जो है वो एक ऐसा जरूरी टेस्ट जो है वो। बड़ा अहम मौजू है कामरान, और इस पर यकीनन हम लोगों ने जितनी बात की है हमें पूरी उम्मीद है कि अब इस पर जो रबाब इख्तियार है वो कान धरेंगे और यकीनन जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल इस मामले का होगा। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात और वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।